नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे 3i इन्फोटेक की। तो रीलिस्टिंग काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रही है। तो क्या है यहाँ पर आर्टिकल, दिस स्टॉक ट्रेड विद गेन ऑफ 267% एज द स्टॉक रीलिस्ट टू गिव इफेक्ट ऑफ द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। तो ये जो जंप आया हुआ है 267 का, ये क्यों आया है? ये आया है रीलिस्टिंग की वजह से, तो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की तरफ के। तो यहाँ पर एक PDF भी जारी हुई है कंपनी की तरफ से। उन्होंने कंपनी ने बताया है कि कितने शेयर हैं वो लिस्ट हुए हैं, तो हम उसके ऊपर भी जाते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ लें ताकि थोड़ा सा उधर आइडिया हो जाए। तो नोटिफिकेशन बाय द BSE सेड ट्रेडिंग मेंबर ऑफ द एक्सचेंज आर हर्बली इन्फॉर्म दैट इफेक्टिव फ्रॉम फ्राइडे अक्टूबर 2021 द इक्विटी शेयर ऑफ द इन्फोटेक लिमिटेड शैल बी लिस्टेड एंड एडमिटेड टू डीलिंग ऑन द एक्सचेंज इन द लिस्ट ऑफ टी ग्रुप सिक्योरिटीज़। यहाँ पर लिस्टिंग की फ़ायदा उठाया हुआ स्टॉक ने, और यहाँ पर जंप लगाया हुआ है 267% का, तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा है। अब बात करते हैं कितने जो शेयर्स हैं वो लिस्ट हुए हैं, और जो करंट प्राइस चला हुआ है वो चला हुआ है 31.45 पैसे का। तो देखिए हम आ चुके हैं PDF के ऊपर। तो यहाँ पर PDF में कंपनी ने बताया है कि उन्होंने यहाँ पर इशू किए हैं अराउंड कितने 16,00,16,65,487 शेयर, जिनकी फेस वैल्यू है यहाँ पर 10 की। तो एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुकी है कि लिस्टिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर बात करेंगे फ्रेश बाइंग के बारे में। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि फ्रेश बाइंग के बारे में अगर सोच रहे हैं तो इनके रिजल्ट आने दीजिए। जैसे ही कंपनी के रिजल्ट आते हैं उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या इसमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कंपनी के पुराने फंडामेंटल को देखें तो काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर आ चुके हैं। तो उधर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट कीजिए इनके रिजल्ट का। उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जहाँ फिर इस शेयर को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए।